उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आप सभी को दोस्तों नवरात्रि की ढेरों 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 शुभकामनाएं। चैत्री नवरात्रि है, ये वो समय है दोस्तों जब आप अपने तंत्र मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। आपके घर में जो भी चीजें रखी हैं, जैसे कि शियार सिंगी, हत्था जोड़ी, बिल्ली की जेर और इसके सिवाय जो भी पूजा स्थान में आपने एकांक्षी नारियल वगैरह रखा है, सभी को आप रिन्यू अवश्य ही कर लेना। हर चीज को धूप बत्ती अवश्य ही दिखा देना। सभी चीजों पर 5 बार 7 बार 11 बार जिन मंत्रों से आपने उन चीजों को अभी मंत्रित किया हो, उन्हीं मंत्रों को 5-7 बार आप बोल करके फिर से उन्हें रिन्यू करना, उन पर सिंदूर चढ़ा देना और धूप बत्ती लगा करके फिर से उन्हें अपने यथा स्थान में अवश्य ही रख देना। ऐसा करने से सारी ही चीजें रिन्यू हो जाती हैं। आपको दोस्तों उपाय बताने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इस नवरात्रि में आप जो भी चीज लेकर के आएंगे, जो भी नई चीज जैसे कि हत्था जोड़ी है, शियार सिंगी है या और भी जो भी पूजा पाठ करने की चीजें हैं, आप आम दिनों में जो जैसे कि आप 10,000 जाप करके उस चीज को करंट करते हैं, नवरात्रि में आप सिर्फ उस चीज को लेकर के आए, दिया बत्ती दिखाएं, एक माला करें, 51 बार मंत्र करें, थोड़ी सी ही पूजा में वो चीज करंट हो जाती है, लाइव हो जाती है। यदि आप अपने घर में स्थापना करके रखते हैं और ऐसी चीजों को लेकर के आते हैं अपने घर में और सिर्फ आप उन्हें पूजा स्थान में रख देते हैं, तो भी ये चीजें करंट हो जाती है, लाइव हो जाती है और ये अपना काम करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों इस बार नवरात्रि में व्रत उपवास अवश्य ही करें। हाँ, जो बीमार है, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, वे लोग व्रत उपवास करने की कोशिश ना करें, मन ही मन माता रानी को प्रणाम करें, घर के अंदर व्रत उपवास करें या ना करें, माता रानी की स्थापना अवश्य ही करें। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, उसी तरीके से दोस्तों 7 प्रकार के अनाज के ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। जिन जिन चीजों को मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है, उन तमाम चीजों को आप कलश के अंदर अवश्य ही डालें और माता रानी की आप स्थापना करें। 9 दिन कंटिन्यू घर के अंदर दिया बत्ती अवश्य ही लगाएं, माता रानी के सामने 9 दिन 9 प्रकार का आप अलग अलग प्रसादी उन्हें आप अवश्य ही अर्पित करें। यदि संभव हो तो 9 दिन एवरी डे कम से कम एक कन्या को आप अपने घर में बुलाएं और भोजन करवाएं, मीठी चीज अवश्य ही खिलाएं। ऐसा करने से माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। और ये दोस्तों बहुत छोटा सा उपाय है, आपने स्थापना की हो घर में तो भी कर सकते हैं, स्थापना आपने ना की हो तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपका सौंदर्य बढ़ता ही चला जाएगा, आपके घर का धन बढ़ता ही चला जाएगा। दुर्गा सप्तशती का बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल मंत्र है ये जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। तो जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज अभी तक यदि आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करने में बिल्कुल भी आप कंजूसी ना करें, लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर अवश्य ही करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहां किसका भला हो जाए। बेल आइकन अवश्य ही दबाएं ताकि मेरी वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे। और एक बार फिर से आप सबके सामने मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में दिए गए फोन नंबर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, वे तमाम फोन नंबर फ्रॉड लोगों के हैं, चाहे वो मेरी ही आईडी से, मेरे ही फोन नंबर से उन लोगों ने डाले हैं, ठीक है। ना ही मैं कोई अपना फोन नंबर कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ, ना ही मैं अपना फोटो, अपनी आईडी दे रही हूँ, तो प्लीज इन फ्रॉड लोगों से आप सावधान रहें। दोस्तों आपको ये उपाय करना है, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह रखकर बैठना है। 9 दिन कंटिन्यू आप सिर्फ इस मंत्र को बोलना शुरू करें। आप अपने पूजा स्थान में दिया बत्ती लगा दें या फिर आपके घर का कोई भी व्यक्ति पूजा स्थान में दिया बत्ती लगा देता है, आपको इस उपाय को नहा धोकर स्वच्छ होकर के बैठ जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अन्यथा आप ईशान कोने की तरफ मुंह करके बैठे, पूर्व दिशा की तरफ भी आप मुंह करके बैठ सकते हैं। तीनों ही दिशाएं बहुत शुभ है, बहुत ही पवित्र है और आपको इस मंत्र का वो रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, जो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये क्या हो गया, इतना बढ़िया इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप एक आसनी बिछा लें और अपने सामने एक ग्लास में पानी ले लें, पानी लेकर के आप बैठ जाएं। नवरात्रि के 9 दिन मैं हमेशा बताती हूँ दोस्तों, मैंने अपनी काफी वीडियोस में पानी को कैसे झाड़ के पिया जाता है, कैसे अभिमंत्रित किया जाता है, ये मैंने आप लोगों को सिखाया है। दोरे धागे किस तरीके से बना करके पहने जाते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया है, उसी तरीके से इस पानी को भी आपको अभिमंत्रित करना है। तो आपको क्या करना है,
एक ग्लास में पानी लेकर के बैठ जाना है। पानी की तरफ आपको एक टक देखना है, देख करके आपको माँ जगदम्बा की मूर्ति को अपनी नजर के सामने लाना है। आपको ये सोचना है कि ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। पूरे ब्रह्मांड में जो भी पॉजिटिव चीजें आपको आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपके सपनों को सच बना रही हैं, जो भी पॉजिटिविटी आपको आपको सपोर्टिंग पावर दे रही है, वो सारी ही पॉजिटिव चीजें माँ जगदम्बा के अंदर से अवतरित हो रही हैं और आप तक पहुंच रही हैं। चाहे वो रूप आपकी माता का हो, चाहे वो रूप आपकी बहन का हो, चाहे वो रूप आपके किसी फ्रेंड का हो, चाहे वो रूप आपके बच्चों का हो, किसी का भी हो, जहाँ से आपको खुशी मिल रही है, जो लोग आपको प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग आपके जीवन में खुशियाँ भर रहे हैं, वो तमाम शक्ति आ रही है माँ जगदम्बा की तरफ से। जहां पर भी जहां जहां भी शक्ति है, वहां हर जगह माता रानी का रूप है। इस चीज को आपको सोचना है, बराबर। और उसके बाद आपको इस मंत्र को बोलना है। पहले दोस्तों, आपको जब आप ये सोच रहे हैं, उस समय आपके दिमाग में एक इस मंत्र को लाना है। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो देवी स्तुति है, इसके अंदर माता के हर रूप को बताया गया है, माता के रूप में, दोस्त के रूप में, हर रूप में। और मैं आपको बता रही हूँ कि आपको बोलना है सर्व रूपेण, हर रूप में आप ही स्थित हो, पूरे ब्रह्मांड में आपको ये सोचना है, बराबर। और उसके बाद में आपको इस मंत्र को बोलना है, इस जल को देखते हुए। देहि मे सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जहि। मतलब कि आपको मुझे सौंदर्य देना है, सौभाग्य देना है, परम सुख देना है, मेरी जय हो चारों तरफ, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मुझे धन मिले, मेरे जो दुश्मन है उनका नाश हो। अब यहाँ दुश्मन मतलब वो भी है जो बाहर आपको इंसानों के रूप में दिखाई देते हैं, यहाँ दुश्मन वो भी है जो आपके अंदर पड़े हुए हैं ईर्ष्या के रूप में और दूसरे अवगुणों के रूप में। तो हर तरह के दुश्मन, हर तरह के अवगुण, चाहे वो आपके अंदर हो चाहे बाहर हो, सभी का नाश हो, आपका यश बढ़े, आपकी चारों तरफ जय जयकार हो, आपको सौभाग्य मिले, आपका आरोग्य अच्छा हो, आपको परम सुख मिले, ये इसमें प्रार्थना की जाती है माता रानी से। ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 5 बार आप इस श्लोक को बोलें। और जब आप बोलते हैं बहुत शांति से, एक एक शब्द के ऊपर प्रेशर करके आपको बोलना है, और कंटिन्यू आपको उस पानी को देखते रहना है। एक एक मंत्र के बाद आपको उस पानी को फूंक मार देना है, उस पानी को आपको करंट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको इस पानी को पूरे घर में छाटना है, अपने पूरे शरीर में छाटना है। और उसके बाद में इस जल में से थोड़ा सा जल आप कटोरी में निकाल कर अलग रख दें, बाकी का जल आप पी लें, और जो जल आपने कटोरी में निकाल करके रखा है उससे आप अपना मुंह धो लें। बस एवरी डे नवरात्रि के 9 दिन आप इस क्रिया को करके देखें दोस्तों, आपका सौंदर्य बढ़ता ही चला जाएगा, सुख और समृद्धि आपकी बढ़ती ही चली जाएगी, धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, आपके हर तरह के शत्रुओं का नाश होने लग जाएगा, हर तरफ आपके नाम की जय जयकार शुरू होगी। जब भी आप ऐसा कोई भी तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तब किसी भी गरीब को कोई न कोई चीज का दान अवश्य करना शुरू कर दें। मतलब इस ब्रह्मांड से कहीं न कहीं से आप पॉजिटिविटी भी लेते रहें, ठीक है। ऐसा करने से जो आप क्रिया करते हैं उस क्रिया को बल मिलता है। और आप कोई भी एक चीज का यदि त्याग कर सकते हो तो त्याग अवश्य ही कर दें। जैसे कि आप किसी फल का त्याग कर दें, किसी अनाज का त्याग कर दें, यदि आप उपवास नहीं करते हैं तो 9 दिन आप किसी एक चीज का त्याग कर दें। आप जो भी मंत्र बोलेंगे, जो भी आप अनुष्ठान करते हैं, जो भी आप पूजा करते हैं,
उसमें आपका आपका जो पुण्य बल है उसकी बढ़ोतरी हो जाती है और वो चीज ज्यादा पावरफुली काम कर पाती है। तो अवश्य ही करें दोस्तों इस मंत्र को, सिर्फ 5 बार बोले आप नवरात्रि को एवरीडे और रिजल्ट देखें, आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव 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 होना शुरू हो जाएगा, धन और सौंदर्य बढ़ने लग जाएगा। करने के लायक उपाय है, करते रहें खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहें खुश रहें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।